आप सभी फ्रेंड मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जितने भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें स्पॉट में प्लीज़। और सभी से विनती है कि मेरा हमेशा साथ दें। और कल मैं जब माता रानी जी से मिली अचानक इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, तो आप प्लीज़ अभी मेरे उस बात को इग्नोर करें और मेरा मतलब उस बात को समझे कि उस टाइम मेरे दिल पे क्या बिजली थी। आप भी होते तो आपको भी शायद ऐसा ही होता। राधे कृष्णा जी, जय माता की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे और आज आपके सामने मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं और मेरा बेटा सड़क के साथ साथ जा रहे थे किनारे पे, तो एक अचानक गाड़ी आई। हमने सोचा इसमें ना कोई जो गाड़ी खड़ी है वो हमारे से ना एड्रेस पूछना चाहते हैं, और जब हमने देखा उसके अंदर तो एक चंडीगढ़ वाली दीदी है जिसको आप खुद ही वीडियो में देख लेना, और वो थे। और मैं उनको देख के बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जिसमें उन्होंने बोला कि आप अंदर आ जाओ, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। और मुझे ना उनको देख के इतनी इमोशनल भी होगी, खुशी भी हुई। मेरे से मतलब बात भी नहीं करी जा रही थी कुछ भी, बस एक रोना ही आ जा रहा था। मतलब जो मेरे अंदर का दिल का दर्द है वो माता रानी आप खुद ही जानती है कि मेरे उस दिल पे क्या बीती। और मेरे को इतनी अचानक से आप मेरे सामने आ गए और मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो दीदी मैं आपको भी शुक्रिया बोलती हूँ। आप हमेशा अपने आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। और मैं सभी को ये बोलती हूँ कि माता रानी इतनी अच्छी है ना कि उनका फैमिली और उनके हस्बैंड सभी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और जो मेरे पास तोहफा था, मैं जो भी मैंने मतलब उनको दिया, उन्होंने इतना अच्छे से स्वीकार कर लिया। मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं सभी से उनके आभारी रहूँगी हमेशा। आप सभी से विनती है जो भी न्यू है प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और इनका चैनल का नाम है जय माँ कलकत्ते वाली चंडीगढ़, तो इनके चैनल का नाम है। तो आप सभी इनके चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इन्हें कमेंट करा और इनकी वीडियो को फुल वॉच करें। हेलो आंटी को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, रेड से ग्रे कर देना सब्सक्राइब बटन को, इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाय। हाय, आज हम घूमने निकले थे अपने बर्थडे के लिए, तो मुझे कोई यूट्यूबर मेरे साथ जुड़े थे यूट्यूब में, वो मिल गई और उसने मुझे मार्केट में पहचान लिया कि आप भी यूट्यूबर हो। मैंने पहचान लिया तो मैं उनसे हाय कर रही हूँ, फिर मैंने उनको 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये इनका ब्लॉग है, तो ये मुझे कह रहे दीदी आप कुछ बोलो मेरे वीडियो में। तो मैं घूमने आई थी शिमला अपने बर्थडे के लिए, तो मुझे ये मिले। तो सभी के लिए जो भी इनका वीडियो देखेंगे वो भी सभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं नाम याद नहीं है, मधु ब्लॉग कौन कौन से है वो, सोनू, राखी, राखी स्पेशल मेरे से स्किप हो गई है, और सुरेंद्र, सब जो भी है मैं आई हूँ इनके। हाँ, और सपोर्ट करे भाई सुरेंद्र, अंदर मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ इनको अपनी उसमें जोड़े, आप अपने ग्रुप में जोड़े। और हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देखो मैं राह चलते हुए मदद करती हूँ सबकी, सबकी करो। मैं इनको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, वहाँ से सब्सक्राइबर भी बढ़ाऊंगी अपनी चौकी से और वो स्टैम्प भी दे दूंगी। हम 4-5-6 फोन है हमारे घर के, हम चला लिया करेंगे 1 घंटे के लिए वाईफाई में, ठीक है। किसी के गरीब की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, वो बहुत वो लगती है। रजे हुए को देंगे तो क्या फायदा, भूखे को खिलाओ तब लगता है, ठीक है। तो मेरी प्रोटेक्शन में है ये, मैं इसको अपनी रक्षा भी दे करके जा रही हूँ। वैसे भी माता रानी का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हम मंदिर आए थे तो इस करके, तो आप सभी जानते हैं इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी आज के बाद, बाकी भगवान है बचाने वाला। आप सभी को भी महारानी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। सभी इस वीडियो को देखना और सभी इस वीडियो को मतलब शेयर लाइक भी करना और इन्हें सपोर्ट करो। सुरेंद्र अपने ग्रुप में शामिल करो, सभी करो, आप आराध्या जी सभी आप इनको शामिल अपने साथ करिए, हम भी इनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। सबको करेंगे, मैं सभी को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। सभी को जय माता की, बस इस करके।
हाँ ये बैठे थे हम गाड़ी में बैठे थे। नमस्कार जी। और बस ऐसे ही कह देते ना कि देखो हमारे तो बच्चों बराबर है जी, ध्यान रखो इन्हों का और जिन्नी वध तो वध सपोर्ट होए उन्ना ही उन्होंने सपोर्ट करो जी। राह नूं राह नहीं मिलते बंदे नूं बंदा सौ जगह मिलता है। तो बस यही अरदास करते हैं भी इहदा भैण दा छोटी दा ध्यान रखो जी, मेहरबानी, जय माता। हम पूरा सपोर्ट करेंगे चंडीगढ़ से इनके लिए। ठीक, मैं कितनी सौभाग्यवान हूँ कि इनके गाड़ी में बैठी हूँ और मैं बोलती हूँ कि माता रानी आप मेरी नैया पार लगाओ, बस मेरी नैया पार लगाओ। कोई बात नहीं, कोई नहीं कृपा होगी। जब भगवान भेजते ना, भगवान ऐसे फरिश्ते भेजते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान राजा को रंग रंग को राजा बना देते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, महारानी होती है, भगवती होती है। ठीक है, तो हम तो सभी की मदद करते हैं, सभी की हेल्प करते हैं, जिसकी भी मुझसे बन पड़ती है मैं सभी की करती हूँ। और मैं अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करूंगी और इनको सब्सक्राइब भी करवाऊंगी, और जो भी इस वीडियो को फिर देखेगा जहाँ जहाँ मैं शेयर करूंगी अपने ग्रुप में करूंगी मैं शेयर, उसमें आप 70 लोग हैं, आप सब्सक्राइब भी करोगे और इन्हें आप वॉच भी करोगे। ठीक है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ये जब वीडियो डालेगी मैं वहां से लेकर के अपने ग्रुप में शेयर कर लूंगी। ठीक है, सभी को जय माता की, जय माता की, और कुछ नहीं होता। हाँ, जय माता की। ये ना अब कहती दीदी आप मेरी फ्रेंड बने हो और मैं मुझे उसने अपनी चुन्नी चढ़ाई है और गिफ्ट बतौर गिफ्ट तो चाहे छोटा हो बड़ा हो और वो सरमत्थे होता है ना। ठीक है, अब आगे से माता रानी के ये लगाई है, मैं गरीब हूं और मैं क्या बोल सकती हूं, मैं कभी बोलना नहीं आ रहा मेरे ना, मतलब माता रानी सबकी है तक हो रही है और मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं माता रानी को माता रानी के दरबार चढ़ाऊंगी। हम जाएंगे वैष्णो माता जाएंगे और वहाँ पे भी जाएंगे, मैं माता रानी को भी बहुत मानती, मंदिर में ही जाके आए थे हम अभी, वैसे ही मुझे मिल गई रास्ते में मिल गई। फिर मैंने कहा कि ये तो जा रही है और मैंने एकदम रोका और रोका एकदम से, कहती हाय दीदी आप कहाँ आए यहाँ पे, फिर मैं आ गई और ऐसे मिल गई मुझे। तो देखो भक्ति करती भगवान का सुमिरन करते तो मिल ही जाते हैं दोस्त, ऐसे बन जाते हैं। तो मैं जरूर जरूर सपोर्ट करूंगी इनके चैनल के लिए, मेरा फुल सपोर्ट होगा, जितना भी होगा मैं इनके चैनल को आगे बढ़ाऊंगी। और मेरा दिल बोल रहा है कि एक दिन उसका चैनल बनेगा। जितना भी कोई किसी का बुरा कर ले, भगवान किसी को बचाना चाहे ना तो उसका कोई नहीं रोक सकता, उसका कोई बाल बिंगा नहीं, चाहे कोई कितना बुरा करे। ठीक है, तो हम तो इतने सी वो रखते हैं, अगर हम तो फिर रास्ते पलट देते हैं, वो हमारी वो है। ठीक है, तो ये हमारी गाड़ी में बैठी है, हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर उसके अंदर बैठी है। जब भगवान बिठा, मेरी किस्मत देखो, हाँ जब भगवान बिठाना चाहे तो एक दिन, हाँ चरणों में हूँ, देखो मैं माता रानी को छू, एक एक दिन ये भी बैठेगी, ये भी बैठेगी फॉर्च्यूनर में बैठेगी, महारानी से इसको दुआ करेंगे तो ऐसे इसको देंगे। ठीक है, तो ये करना। ठीक है, मेरा सभी को सभी से आशीर्वाद है, बाकी ये है कि भाई इसका अच्छा ही अच्छा होगा। आज के बाद हमारा सबका आशीर्वाद इसके साथ है, हम खड़े हैं इसके साथ। ठीक है, जो भी दुख है इसका सारा दूर होएगा। ठीक है।